यात्री सेवा समिति के चार सदस्य टीम हजारीबाग रेलवे स्टेशन पहुंचे। चार सदस्य टीम में गुरुविंदर सिंह शेट्टी, शिवराज गाडगे, सुनैना पाड़ी व डीके बोस हैं। वहीं धनबाद रेंज के सीनियर डीआरएम आशीष कुमार और एडीआरएम अमरेश कुमार भी उपस्थित हुए। चार सदस्य टीम ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। रेलवे की साफ सफाई, यात्री की सुरक्षा, यात्री की सुविधा, वॉशरूम, वेटिंग रूम सभी का निरीक्षण किया गया। समिति के गुरुविंदर सिंह सेठी ने बताया कि हजारीबाग से लंबी दूरी की ट्रेनों की शुरुआत जल्द होगी। इसमें रांची तक पहुंचने के लिए पटरी की पहाड़ियों के इलाकों से गुजरना है। कुछ दूर तक काम हो चुका है, बाकी काम जल्द पूरा होगा, जिसके बाद रांची तक भी ट्रेन चलेगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि हजारीबाग से निभाया कोडरमा होकर अन्य बड़े शहरों और लंबी दूरी के ट्रेनों को भी जोड़ने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ हजारीबाग के कूद स्थित रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए सुख सुविधाओं के लिए भी सभी तरह के कमियों को पूरा करने की बात कही गई है। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। हो गया। देखिए, भारत सरकार रेलवे बोर्ड की टीम 3 दिवसीय दौरे पर धनबाद डिवीजन में कल से धनबाद डिवीजन पहुंची थी और कल हम लोगों ने 3 स्टेशन किया था। यहां से गोमो से पारस था और कोडरमा। मेरे साथ इस टीम में हमारे बहुत ही सीनियर लीडर और इस समिति के बहुत ही सीनियर मेंबर हैं, श्री शिवराज जी जो कर्नाटक से आए हैं, ठीक है। मैं गुरविंदर सिंह सेठी झारखंड से, बहन जी हमारी सुरमा जी ये वहीं उड़ीसा से, तुषार कांति घोष ये बंगाल से। तो चारों सदस्य मिलकर कल ही से सारे प्रोग्राम को हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7-8 सालों में भारतीय रेलवे शिखर की ऊंचाई तक जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है ताकि उस काम को किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं पिछली 40-50 सालों में भारतीय रेलवे को जितना महत्व मिलना चाहिए था वो महत्व नहीं मिल पाया, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब 14 में आए उन्होंने बहुत अच्छी चिंता की है कि भारतीय रेलवे जो रेलवे स्टेशन है एयरपोर्ट की तर्ज पर बने, उसी तर्ज को देखते हुए हम अधिक से अधिक अपने यात्रियों को सेवा सुविधा दे सके। ये हमारी टीम देश भर में भ्रमण करती है, पूरे देश भर में जाते हैं, हर स्टेशनों में जाकर हम देखते हैं कि क्या सुविधा और अच्छी होनी चाहिए और अच्छी हम बढ़ोतरी कर सकें। इसलिए चारों हम लोग कल से आए, आज हजारीबाग भी पहुँचे हैं और हजारीबाग में लोगों के बीच बैठ के जो विषय हमें हमारे पास आ रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैसे लोगों ने बताया कि राम बाबू जी बहुत पहले सांसद रहे हैं और भाई लोकसभा में आप लोगों ने हमारे अटल जी के समय यशवंत जी को दिया, जो विदेश और वित्त मंत्री रह चुके थे। अभी बहुत ही हमारे सीनियर लीडर जयंत सिन्हा जी, जिनको बहुत ही अनुभव है और वो भी पिछली सरकार में वित्त राज्य मंत्री है। तो ये एक लोकसभा बहुत ही महत्वपूर्ण है हजारीबाग हम लोगों के लिए और प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। तो ठीक है, कुछ विषय है कि इसका और विकास होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बहुत आश्वस्त और विश्वास दिलाता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हजारीबाग का भी रेलवे का स्टेशन का विकास होगा और अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ भी डेवलप किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक इस क्षेत्र के लोगों को, इस जनता को यहाँ से सुविधा हम दे सकें। और बाकी चीज़ों का करीब करीब हम सब ठीक ही देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ अभी सुविधा की जो यात्रियों का फुटफॉल कम होने के कारण जो चीज़ डेवलप होना चाहिए उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आगे भी हम लोग इस पर प्रयास करके ताकि जो